IPL 2020 की नीलामी के लिए BCCI ने 332 खिलाड़ियों के नामों की घोषणा कर दी है और इन 332 प्लेयर्स में से कुल 23 खिलाड़ियों को सिल्वर कैटेगरी में रखा गया है। और आज इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं 23 खिलाड़ियों के नाम बताऊंगा और साथ ही ये भी बताऊंगा कि आखिर क्या फ़ायदा होगा इन प्लेयर्स को सिल्वर कैटेगरी में रहने से। तो गाइस बहुत इंटरेस्टिंग और डिटेल वीडियो है, एंड तक जरूर देखिए। और दोस्तों आप भी MCB ग्रेट फैमिली और IPL फैन क्लब का हिस्सा बन सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इस वीडियो को लाइक करना है। तो भाई आ गई नीचे सभी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की। तो सिल्वर कैटेगरी में कुल 8 ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर्स को जगह दी गई है BCCI की तरफ से। दोस्तों इनके नाम हैं एरन फिंच, नेथन कुल्टर नाइल, एंड्रू टाय, मार्कस स्टोइनिस, मॉइजिस हेनरिक्स, डार्सी शॉट, जेम्स पैटिंसन और एस्टन एगर। तो ये वो 8 प्लेयर्स होंगे जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से नीलामी में सिल्वर कैटेगरी का हिस्सा होंगे। हालांकि एरन फिंच गोल्ड कैटेगरी का हिस्सा भी रह सकते थे, लेकिन ये इस साल इन्होंने अपने आप को सिल्वर कैटेगरी में रखा। इन्हें क्या फायदे नुकसान होंगे मैं आगे इसी वीडियो में बताऊंगा। अब बात कर लेते हैं भाई अंग्रेजों की। तो अगर हम इंग्लैंड के खिलाड़ियों की बात करें तो कुल 5 अंग्रेजों को सिल्वर कैटेगरी में रखा गया है। इनके नाम है दोस्तों सैम कुरन, टॉम कुरन, टॉम बेंटन, एलेक्स हिल्स और लियम प्लंकेट। तो कह सकते हैं हम लिस्ट ए दर्जे के अंग्रेज खिलाड़ियों को यहाँ पर जगह दी गई है। हालांकि टॉम बेंटन गोल्ड कैटेगरी में भी हो सकते थे, लेकिन बेंटन ने खुद को ही कह सकते हैं डिमोट कर सिल्वर कैटेगरी में रखा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों की। तो कुल 3 कीवी खिलाड़ियों को यहाँ पर जगह दी गई है। वो है दोस्तों टिम साउथी, मार्टिन गप्टिल और कॉलिन मुनरो। यहाँ पर भी दोस्तों कॉलिन मुनरो की नाम नहीं होना था क्योंकि मुनरो लगातार फ्लॉप रहे, लेकिन फिर भी उन्हें सिल्वर कैटेगरी में रखा गया है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं भारतीय खिलाड़ियों की। तो कुल 3 इंडियन प्लेयर्स को यहाँ पर जगह दी गई है। वो है दोस्तों यूसुफ पठान, जयदेव उनटकंड और पीयूष चावला। और इन 3 में से 2 खिलाड़ी, मतलब यूसुफ पठान को छोड़कर उनटकंड और चावला के बिकने के अच्छे खासे चांसेस हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं साउथ अफ्रीकी खिलाड़ियों की। तो कोई बहुत बड़े बड़े और बहुत ज़्यादा तादाद में अफ्रीकी खिलाड़ी नीलामी में नहीं है। सिर्फ 1 खिलाड़ी को सिल्वर कैटेगरी में अफ्रीका की तरफ से रखा गया है। वो है रिले रोसो, जिनके बिकने के चांसेस लगभग ना के बराबर हैं। बात कर लेते हैं बांग्लादेशी खिलाड़ियों की। तो सिर्फ 1 बांग्लादेशी खिलाड़ी है सिल्वर कैटेगरी में, मुस्तफिजुर रहमान, जिन्हें BCB ने इस बार इजाज़त दे दी है और इनके बिकने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं नीलामी में और बहुत महंगे भी बिक सकते हैं। श्रीलंका की तरफ से दोस्तों तिसारा परेरा को सिल्वर कैटेगरी में जगह दी गई है। मुश्किल है क्योंकि फॉर्म इनका अच्छा नहीं है कि ये बिक पाए। तो वही दोस्तों हम वेस्टइंडीज की तरफ से बात करें तो बड़ी संख्या में वेस्टइंडीज के प्लेयर नीलामी का हिस्सा होंगे, लेकिन सिल्वर कैटेगरी में सिर्फ 1 विंडीज के खिलाड़ी को जगह दी गई है। वो है दोस्तों एविन लुइस। और एविन लुइस बिक भी सकते हैं क्योंकि इनका भारत में हाल ही में जो इंडिया वेस्ट इंडीज सीरीज चल रही है उसमें अच्छा खासा फॉर्म चल रहा है। तो ये थे दोस्तों कुल 23 खिलाड़ी जिन्हें BCCI ने और इन लोगों की अप्रूवल के बाद इनके स्वयं के 23 खिलाड़ियों को जगह दी गई है सिल्वर कैटेगरी में। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या फ़ायदे होंगे सिल्वर कैटेगरी के। दोस्तों पहला बड़ा फायदा जो इन प्लेयर्स को सिल्वर कैटेगरी से होगा वो है इनकी बेस प्राइस। दोस्तों इन सारे खिलाड़ियों की बेस प्राइस 1 करोड़ रुपए रहने वाली है, और जब आपकी बेस प्राइस 1 करोड़ रुपए होती है ना, तो आपको दूसरा फायदा भी हो जाता है। IPL नीलामी का इतिहास बताता है कि 1 करोड़ की बेस प्राइस वाले खिलाड़ियों के बिकने के चांसेस 80% हो जाते हैं, क्योंकि ये एक मिनिमल अमाउंट हो जाता है विदेशी और भारतीय खिलाड़ियों के लिए। और इसीलिए सिल्वर कैटेगरी में जो भी खिलाड़ी होते हैं उन्हें 1 करोड़ की बेस प्राइस पर रखा जाता है और इनके बिकने के चांसेस 80 से 85% होते हैं। मतलब ये आप ये मान के चलें कि इन 23 में से मिनिमम 15 खिलाड़ी आसानी से बिक जाएंगे। तीसरा बड़ा फायदा इन प्लेयर्स को होगा कि इन्हें 2 बार नीलामी में फीचर होने का मौका मिलेगा। जैसे मान लीजिए एरन फिंच का नाम पहली बार सुबह सुबह पुकारा जाएगा, अगर उन पर कोई बोली नहीं लगती तो दोपहर में भी 1 बार इनका नाम पुकारा जाएगा, मतलब शाम के टाइम, क्योंकि नीलामी दोपहर में शुरू हो रही है। तो दोपहर में इनका पहले नाम पुकारा जाएगा, फिर शाम को, और अगर टीमें रिकमेंड करती है तो रात में भी 1 बार इनका नाम नीलामी के ऑक्शन टेबल पर पुकारा जाएगा। तो ये फायदा भी सिल्वर कैटेगरी के खिलाड़ियों को मिलता है। तो ये है भाई कुल 23 सिल्वर कैटेगरी के प्लेयर्स के नाम। आप में से बहुत सारे लोग कमेंट में सवाल पूछ रहे थे, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि इनमें से कौन सा प्लेयर इस लिस्ट में डिजर्व करता था और कौन सा नहीं। यूट्यूब ने कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया है तो कमेंट जरूर कीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए।